Hi, I hope you are doing fine with your loved ones. I'm Sneha and welcome to Guys Anand from Unit Till Infinite. In the last video, we defined continuity of a function. Today, we are going to do some examples where the functions are continuous and some where the function are not continuous. And if a function is not continuous, what type of discontinuity do they have? So let's just start. My first question is given something like this. क्वेश्चन आते ही सबसे पहली चीज आपको देखनी है क्वेश्चन का डोमेन क्या है. व्हेन द फंक्शन इज डिफाइंड ऑन रैशनल्स एंड इरैशनल्स दैट मींस द डोमेन ऑफ फंक्शन इज आर. एंड दूसरी चीज आपको देखनी है ये ब्रांचिंग कैसे की हुई है. जैसे यहाँ ब्रांचिंग की है रैशनल्स और इरैशनल चिकन पॉक्स फंक्शन है ये. इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले सीक्वेंशियल अप्रोच अप्लाई करके देखना है. ठीक है. फिर है इफ द क्वेश्चन सजेस्ट यू दैट इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करो या नहीं. जैसे यहाँ कुछ सजेशन नहीं दिया हुआ, यहाँ बताया गया चेक दी कॉन्टिन्यूटी और फाइंड आउट वेदर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस और नॉट. ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, सारे रियल नंबर की रियल लाइन की जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए तो आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है. तो हम वैसे स्टार्ट करते हैं बाय चूजिंग एनी अल्फा इन आर. ठीक है, कोई भी अल्फा चूज कर लेते हैं हम लोग. कोई भी अल्फा चूज कर लिया आर में से. सिक्वेंशियल अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं. सो कंसिडर आई हैव अ सीक्वेंस ए एन इन आर such that an is converging to alpha. Now since a sequence since the suggested sequence is from R, it will have two choices, है ना. दो choices हो जाएंगी इसकी. एक होगा the sequence belongs to Q rationals और एक होगा the sequence is from irrationals. ठीक है. If the sequence is from rationals तो ये जो value आएगी f of a n ये क्या आ जाएगी, पी एन इंटू साइन वन अपॉन क्यू एन. और अगर इरेशनल में है तो ये वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ ए एन आएगा ए एन ओनली, है ना. नाउ आई नो दैट ए एन इज कन्वर्जिंग टू अल्फा, दैट मीन्स एफ ऑफ ए एन इज ऑल्सो कन्वर्जिंग टू अल्फा. ये केस तो इजिली हो गया. यहाँ हमने देखी लिमिट, अभी हम लिमिट बता रहे हैं, ये लिमिट आ गई अल्फा. यहाँ पर देखो जरा, इसको देख के मुझे लगा, ये साइन वन बाय क्यू एन को देख के मुझे लगा दैट आई नो, ये शायद हमने 12th में भी पढ़ा हुआ है, x approaches to 0, sin x upon x is 1 and can also be written as x approaches to infinity, x into sin 1 by x, है ना. ये लिमिट मुझे पता है एग्जिस्ट करती है एंड द लिमिट इज इक्वल टू 1. तो somehow इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय क्यू एन और यहाँ क्यू एन आ जाए तो मुझे पता चल जाएगा क्यू एन इंटू साइन वन बाई क्यू एन विल अप्रोच टू वन. तो मैंने क्या किया इसके लिए, मैंने क्यू एन से डिवाइड कर दिया एंड आई मल्टीप्लाइड दिस बाय क्यू एन. ठीक है, तो ये सीक्वेंस बन गई, नहीं कोई हार्म नहीं हुआ मेरे सीक्वेंस को, मैंने सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. नाउ आई नो दैट दिस विल अप्रोच टू वन एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड जो मेरे पास सीक्वेंस बच जाएगी वो बच जाएगी पी एन बाई क्यू एन और पी एन बाई क्यू एन है मेरा ए एन, क्योंकि ए एन अगर क्यू में बिलोंग करता है दैट मीन्स रैशनल है ना, दैट मीन्स ए एन इज पी एन बाई क्यू एन टाइप. उसी लिए तो हमने इसको ऐसे लिखा है ना, पी एन साइन वन बाई क्यू एन. सो इसकी लिमिट भी क्या आ जाएगी, अल्फा आ जाएगी. अब लिमिट तो एग्जिस्ट करवा दी हमने कि अल्फा है. कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करना होता था, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन होती थी एज एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स शुड अप्रोच टू एफ सी. तो एज ए एन इज अप्रोचिंग टू अल्फा एफ ऑफ ए एन शुड अप्रोच टू एफ ऑफ अल्फा. सो नाउ आई हैव टू चेक और फाइंड फॉर विच अल्फा अल्फा इज इक्वल टू एफ अल्फा और फिर फॉर विच एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, सो नाउ नाउ आई हैव टू जस्ट पुट एफ अल्फा इक्वल टू अल्फा. नाउ एफ अल्फा हैज डेफिनेशन बिकॉज अल्फा इज फ्रॉम आर, तो अल्फा क्यू में भी से भी हो सकता है और क्यू कॉम्प्लीमेंट में से भी. दिस इज एफ अल्फा इज पी इंटू साइन वन बाई क्यू वेन अल्फा बिलोंग्स टू क्यू एंड इट इज इक्वल टू अल्फा वेन अल्फा बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, एंड दिस हैज टू बी इक्वल टू अल्फा. तो देखो क्यू कॉम्प्लीमेंट वाले केस में तो एफ अल्फा विच इज अल्फा ओनली इक्वल टू अल्फा. तो ये वाले केस में तो मुझे पता चल गया दैट फॉर ऑल वैल्यूज इरेशनल द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. बट यहाँ चेक करना है मुझे पी साइन वन बाई क्यू वेन अल्फा बिलोंग्स टू क्यू इज इक्वल टू अल्फा कौन सी केसेस में होगा,
इसको देख के मुझे पता चला इफ अल्फा इज जीरो, ठीक है, इफ अल्फा इज जीरो देन ओनली एफ अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा इस केस में, रैशनल वाले केस में. सो ऑल द पॉइंट्स ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द सेट इरेशनल्स यूनियन द सिंगलटन सेट जीरो. क्योंकि रैशनल्स में और कहीं भी पी साइन वन बाई क्यू इज नॉट इक्वल टू नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू पी अपॉन क्यू, सिर्फ जीरो में ही ऐसा होगा. सो ये फंक्शन या इसके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी होंगे वो होंगे क्यू कॉम्प्लीमेंट यूनियन जीरो. सो अगर क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट है आपके पास, ब्रांचिंग आपकी इस तरह से, तो सबसे पहले सिक्वेंशियल अप्रोच अप्लाई करिए. ठीक है, क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन. यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे डोमेन, फंक्शन का डोमेन है आर, क्योंकि नॉन जीरो पे और जीरो पे डिफाइंड है, यानी पूरा का पूरा आर आ गया. दूसरी चीज, ब्रांचिंग कैसे है, ब्रांचिंग है एक पॉइंट पर फंक्शन कुछ और तरीके से डिफाइंड है और बाकी उस पॉइंट को छोड़ के फंक्शन किसी अलग तरीके से डिफाइंड है. ऐसे क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला मेथड अप्लाई करोगे तो वो जल्दी आपको आंसर दे देगा. ठीक है, सो हम वी आर चेकिंग द लिमिट एट जीरो. क्यों जीरो पे चेक कर रहे हैं, क्योंकि जब नॉन जीरो है वैल्यूज तो फंक्शन मुझे दिख ही रहा है कि हाँ या ये वाला फंक्शन होगा. ठीक है, नॉन जीरो वैल्यूज पर भी आप चेक कर सकते हो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, क्योंकि ये अगर नॉन जीरो है ना तो ई रेज टू द पावर वन बाय एक्स या एक्स, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सब फाइनाइट वैल्यूज आएंगे तो फंक्शन यहाँ कॉन्टिन्यूअस होगा. जीरो पे ये एक फिक्स पॉइंट ले रहा है टू विच इज कॉन्टिन्यूअस, तो सिर्फ मुझे ये देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट साइड से जीरो पे गए और राइट साइड से जीरो पे गए तो क्या दोनों चीजें इक्वल आ रही हैं. ठीक है, सो एट जीरो वी आर चेकिंग द कॉन्टिन्यूटी. सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं फंक्शन की, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एफ एक्स, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स ई रेस टू द पावर वन बाय एक्स प्लस वन अपॉन ई रेस टू द पावर वन बाय एक्स. अब थोड़ी सी चीज यहाँ देखने लायक है, वेन एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन वन अपॉन एक्स विल अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी, राइट, एंड ई रेस टू द पावर वन बाय एक्स इट विल अप्रोच टू जीरो. क्योंकि मुझे पता है ई रेस टू द पावर माइनस एक्स जो होता है वो कहाँ चला जाता है, जीरो पे चला जाता है. हमने दो तीन वीडियो पहले ये चीज पढ़ी थी, फंक्शन एलसीडी जब स्टार्ट किया था तो ये पढ़ा था. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. एज एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो दिस अप्रोच टू जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो डिवाइडेड बाय वन प्लस जीरो सो द लिमिट इज जीरो. सिमिलरली आई हैव टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट, दिस इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एफ एक्स. फंक्शन तो सेम ही रहेगा, एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स ई रेस टू द पावर वन बाय एक्स अपॉन वन प्लस ई रेस टू द पावर वन बाय एक्स. अब यहाँ क्या हो रहा है, वेन एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन वन अपॉन एक्स इज अप्रोचिंग टू प्लस इन्फिनिटी एंड ई रेस टू द पावर वन अपॉन एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ई रेस टू द पावर इन्फिनिटी इज गोइंग टू इन्फिनिटी. तो ये तो इन्फिनिटी पे जाएगा बट इसका रेसिप्रोकल अगर हम कंसिडर करें तो वो अप्रोच करेगा जीरो पे. तो ई रेस टू द पावर वन बाय एक्स की जगह इफ आई हैव ई रेस टू द पावर माइनस वन बाय एक्स तो ईजिली मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, इन्फिनिटी पे आ जाएगा तो दिक्कत है. ठीक है, सो इस पर मैंने क्या किया, ई रेस टू द पावर वन बाय एक्स कॉमन ले लिया ऊपर और नीचे न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, ये कैंसिल हो जाएगा, हम लेफ्ट विद एक्स एंड दिस विल बिकम ई रेस टू द पावर वन माइनस वन बाय एक्स प्लस वन ई रेस टू द पावर वन बाय एक्स कॉमन ले लिया. तो नाउ दिस लिमिट इज ऊपर वाला जीरो नीचे वाला जीरो प्लस वन सो जीरो. एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल ये तो पता चल गया, बट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा, जब फंक्शन की वैल्यू जीरो पे जीरो आ जाए. बट वट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एल एच एल और आर एच एल तो इक्वल है, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल एंड द वैल्यू इज जीरो, बट फंक्शन की वैल्यू जीरो पे है टू विच इज नॉट इक्वल, सो द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस कहां पर, एट जीरो. और डिसकॉन्टिन्यूटी किस टाइप की है, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है, क्योंकि एल एच एल आर एच एल इक्वल है बट द वैल्यू इज नॉट इक्वल. इस फंक्शन को अगर मैं यहां जीरो की बजाय इस जीरो की बजाय टू की बजाय अगर मैं जीरो डिफाइन कर देती तो मेरा फंक्शन जीरो पे भी कॉन्टिन्यूअस हो जाता. ठीक है, सो ये हुआ हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है, इसमें सबसे पहले डोमेन, डोमेन क्या है, देखो एक्स
नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड है बट पॉजिटिव वैल्यूज में x सिर्फ 1 तक के लिए डिफाइंड है, तो डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी टू 1, क्लोज्ड एट 1. मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है. नेगेटिव वैल्यूज के लिए माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, 0 से 1 के लिए 5x माइनस 4 कॉन्टिन्यूस फंक्शन. ट्रबल सम पॉइंट कौन सा हो गया? 0. सो फिर से मुझे 0 पे चेक करना है, तो वही LHL और RHL डिफाइन करूंगी मैं, फाइंड आउट करूंगी लिमिट. सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ fx इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन द फंक्शन इज माइनस एक्स स्क्वायर एंड द वैल्यू इज 0. RHL is limit x approaches to 0 positive fx, that is limit x approaches to 0 positive of 5x minus 4 and this is minus 4. तो यहाँ मेरा conclusion क्या आ गया? My right hand limit LHL is not equal to RHL. Function की value तो छोड़ दो एक बार के लिए, LHL और RHL ही equal नहीं है, तो इसका मतलब इसकी discontinuity है first kind और जंप डिस्कॉन्टिन्यूटी है इस फंक्शन की, कहाँ पर? 0 पर. तो ये हो गया जंप डिस्कॉन्टिन्यूटी अगर LHL और RHL इक्वल नहीं होते तो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन फेमस फंक्शन दैट इज डिरिक्लेट फंक्शन. नाउ डिरिक्लेट फंक्शन का डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स. ब्रांचिंग कैसे करी हुई है? क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट में करी हुई है. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग स्टार्ट करते हैं. कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है मुझे ऑन रियल एक्सिस. सो लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर, राइट? तो अल्फा के पास यहाँ पर मेरे पास दो चॉइसेस हो जाएंगी, आइदर अल्फा इज फ्रॉम क्यू और अल्फा इज फ्रॉम क्यू कॉम्प्लीमेंट, है ना? ये दो चॉइसेस हो गई अल्फा के लिए, या तो अल्फा क्यू में होगा या क्यू कॉम्प्लीमेंट में होगा. अगर अल्फा क्यू में है ना, तो मैं एक सीक्वेंस सजेस्ट कर रही हूँ. लेट ए एन इज अ सीक्वेंस ऑफ इरेशनल्स सच दैट ए एन इज कन्वर्जिंग टू अल्फा. और यहाँ मैं एक सीक्वेंस सजेस्ट कर रही हूँ फ्रॉम रैशनल्स सच दैट ए एन कन्वर्जेस टू अल्फा. तो क्या किया है मैंने, अल्फा अगर रैशनल लिया है तो सीक्वेंस इरेशनल ले ली, और अगर अल्फा इरेशनल लिया है तो सीक्वेंस ले ली हमने रैशनल. तो यहाँ देखो एफ अल्फा क्या होगा इस केस में, फर्स्ट केस में एफ ऑफ अल्फा विल बी 1 बट एफ ऑफ ए एन विल बी 0 कन्वर्जिंग टू 0. और यहाँ क्या होगा, f ऑफ अल्फा विल बी 0 बट f ऑफ ए एन इट विल बी कन्वर्जिंग टू 1. ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, इफ माय सीक्वेंस इज कन्वर्जिंग टू अल्फा, तो जो f ए एन है दैट इज नॉट कन्वर्जिंग टू f ऑफ अल्फा. यहाँ f ऑफ अल्फा क्या है? 1 है. यहाँ लिमिट 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है. इसका मतलब फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूस नहीं है. कहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं है? किसी भी पॉइंट पर, रियल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं है. ऑल दो फंक्शन देखने में बड़ा सुंदर सा था, सिंपल फंक्शन था एकदम, 1 और 0 वैल्यूज लेकर के, बट ये एक ऐसा फंक्शन है विच इज नॉट कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं एक छोटा सा नोट दे देती हूँ आपको कि ऐसी ऑब्जर्वेशन है या ऐसा हमने देखा है या थ्योरम कह लो, कुछ भी कह लो, that there does not exist any function which is continuous on rationals or and discontinuous on irrationals. So अगर कोई function है जो continuous है rationals पे, तो उसको irrationals पे continuous ही होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई function exist नहीं करता जो rational पे तो continuous हो but irrational पे discontinuous हो. तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, note mark करके कहीं पर लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई फंक्शन रैशनल पे कॉन्टिन्यूस हो गया तो इरेशनल पे डिसकॉन्टिन्यूस होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता. ठीक है, अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. तो सबसे पहली चीज आपको देखनी है डोमेन, फंक्शन का डोमेन है आर, ब्रांचिंग है क्यू, क्यू कॉम्प्लीमेंट पे, फंक्शन जो है उसमें मॉड भी है, सिग्नम फंक्शन भी है. ठीक है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं. और सपोज इस क्वेश्चन में ना मैंने आपको बता दिया दैट यू हैव टू चेक कॉन्टिन्यूटी एट 0. ठीक है, पहले बता दिया 0 पे चेक करो. तो सबसे पहली चीज तो आपको ये देखनी है 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है. एफ ऑफ 0 यहाँ लाई करेगा, सिग्नम 0 इज 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा एंड वैल्यू इज माइनस 1. ठीक है, तो मुझे पता चल गया दैट फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है, माइनस 1 है. अब मैं एक सीक्वेंस 0 पे है ना, तो एक मैं सीक्वेंस कंसिडर करती हूँ. सपोज ए एन आर पे बिलोंग करता है सीक्वेंस, ठीक है, सच दैट ए एन इज कन्वर्जिंग टू 0. अब देखो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है ए एन,
जीरो पे कन्वर्ट कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो कोई सीक्वेंस जीरो पे कब कब कन्वर्ट कर सकती है, या तो वो नेगेटिव डायरेक्शन से है, सारी वैल्यूज ही नेगेटिव है, इंक्रीजिंग वैल्यूज है और जीरो पे आ गई, या फिर सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग वैल्यू है, जीरो पे आ गई, या फिर कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, इस टाइप की सिचुएशन है आपके पास, ठीक है। तो ये थोड़ा यहाँ ध्यान रखना, ये कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि सिग्नम की बात आ गई यहाँ पर, हमें साइन चेक करना है एक्चुअली, ठीक है। सो इसके लिए एक तरीका तो ये हो जाता है कि सपोज माय सीक्वेंस बिलोंग्स टू क्यू एंड सपोज माय सीक्वेंस बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर क्यू कॉम्प्लीमेंट में है ना सीक्वेंस, तो जो फंक्शन है एफ ऑफ ए एन दैट इज सिग्नम एक्स और सिग्नम ए एन, ये सीक्वेंस आ जाएगी, है ना। और मुझे पता है जो सिग्नम फंक्शन होता है उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि पॉजिटिव पे पॉजिटिव होगी वैल्यू, नेगेटिव पे नेगेटिव, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन पे फ्लक्चुएट करेगा। सपोज आपके पास माइनस रूट थ्री है, तो ये जो ये आएगा, ये आएगा माइनस वन, प्लस प्लस रूट थ्री होगा तो ये प्लस वन आ जाएगा। तो यहां मुझे पता है दैट दिस लिमिट लिमिट एफ ऑफ ए एन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो यहां तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा व्हेन ए एन इज फ्रॉम क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो कोई भी इरेशनल नंबर पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो कॉन्टिन्यूटी की तो बात ही क्या कर सकते हैं। अब यहां आ जाते हैं कि अगर वो रैशनल है तो रैशनल है तो भी क्या होगा, ये जो बनेगा मेरा सीक्वेंस, ये अब यहां इससे बनेगा, द सीक्वेंस इज वन प्लस ए एन इंटू सिग्नम सिग्नम ए एन प्लस सिग्नम मॉड ए एन माइनस वन। अब ए एन रैशनल है और ए एन चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, ये आ जाएगा वन, वन माइनस वन ये हो जाएगा जीरो, ये सीक्वेंस कुछ इस तरह से बच जाएगी, है ना। अब यहां देखो क्या हो रहा है, अगेन ए एन रैशनल है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तो हो सकते हैं ना, अगर पॉजिटिव होगा तो ये लिमिट क्या आएगी, माइनस वन, ऐसे देखो ना, अगर मैं इधर ही लिख दूं, अगर वो वाला केस समझ आ गया होगा। अब यहां पर मेरे पास इसके लिए फर्दर दो केसेस बन जाएंगे, इफ ए एन इज पॉजिटिव, सपोज करो रैशनल है, सब वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, तो क्या होगा, ये लिमिट कहाँ, ये जो बनेगा मेरा ये बन जाएगा कुछ ऐसा, सीक्वेंस वन प्लस ए एन एंड दिस विल कन्वर्ट्स टू वन प्लस ए एन वॉज कन्वर्जिंग टू जीरो जीरो, और अगर ये नेगेटिव है तो ये बनेगा माइनस वन प्लस ए एन सीक्वेंस एंड दिस विल कन्वर्ट्स टू माइनस वन, है ना। तो ये प्लस वन और माइनस वन आ गया, इसका मतलब रैशनल पे भी एल एच एल और आर एच एल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं एल एच एल आर एच एल बोलूँ तो देखा कि जीरो पे फंक्शन जो होगा उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो कॉन्टिन्यूटी की हम बात ही क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन का जो ये फंक्शन थोड़ा अजीब सा फंक्शन था, अजीब सा बिहेव करता था, सिर्फ ये ध्यान रखोगे ना अगर कि ये चीज क्या होती है, सिग्नम एक्स क्या होता है, तो भी बहुत समझ में आने लग जाएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है मेरा फंक्शन, ठीक है। तो जीरो पे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो कॉन्टिन्यूस तो होगा ही नहीं, लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, एटलीस्ट फिर हम डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करते, ठीक है। ये अगर मैं किसी नॉन जीरो नंबर की बात करूं तो सोचो वो जो सपोज मैं x इक्वल टू वन की बात कर रही हूँ, ठीक है, x इक्वल टू वन के लिए भी अगर मैं सीक्वेंशियल अप्रोच अप्लाई करूं तो एक दो सीक्वेंसेस सपोज कर लेती हूँ q से और q कॉम्प्लीमेंट से, उसमें भी तो सेम प्रॉब्लम ही होगी ना, या तो q कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यूज हैं जो इरेशनल्स हैं वो हो सकते हैं ना नेगेटिव डायरेक्शन से कुछ आ रहे हो, कुछ पॉजिटिव से आ रहे हो, क्यू में भी है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से आ सकते हैं। तो इस केस में हम कह सकते हैं नॉन जीरो जो नंबर्स हैं एग्जैक्टली उनमें भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो आई होप विद दीज फाइव एग्जाम्पल्स आपका कॉन्टिन्यूटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बाद कुछ हम थ्योरम्स पढ़ेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, दैट आर इम्पॉर्टेंट, और फिर डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा। सो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इफ यू आर अ सब्सक्राइबर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पहले की वीडियोज नहीं देखी हैं, अगर डाउट है आपको पहले के किसी भी टॉपिक में तो मैंने सारी वीडियोज प्लेलिस्ट बना करके अपने चैनल पे रखी हुई है, वहां जाकर के देखें समझें पढ़ें, आपके पास बहुत सारा टाइम है अभी, एंड अपना ध्यान रखें, बाय।